झारखंड के साहिबगंज में टेंडर मैनेज करने के केस में शुक्रवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके करीबी 14 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करीब 3,11,00,000 रुपए नकद बरामद किए। निवेश और खनन से जुड़े कई कागजात भी बरामद किए। 3 करोड़ की नकदी पत्थर कारोबारी हीरा भगत के ठिकाने से बरामद की गई। जानकारी के अनुसार ईडी ने पंकज मिश्रा के जिन करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की उनमें पत्थर कारोबारी और गंगा में फेरी सर्विस से जुड़े लोग शामिल हैं। टीम साहिबगंज में SBI और PNB पहुंची और कई जानकारियां भी इस दौरान जुटाई गई। इस बीच पंकज मिश्रा को उत्तराखंड से हिरासत में लेकर ईडी की टीम दिल्ली पहुंच गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है पंकज मिश्रा और कैसे आए वो चर्चा में। पंकज मिश्रा साहिबगंज के बड़े पत्थर कारोबारी में से एक हैं और मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं और उन्हें विधायक प्रतिनिधि भी बनाया गया है। बरहवा मिर्जा चौकी समेत जिले के तमाम इलाकों में पत्थर कारोबार का नेटवर्क इनके संरक्षण में ही चलता है। इसके साथ ही इनकी छवि दबंग वाली है। पूजा सिंघल प्रकरण की जांच के बीच अचानक पंकज मिश्रा का नाम DTO से पूछताछ के दौरान सुर्खियों में आया था। इसके बाद ईडी ने पंकज के खिलाफ अपनी नजर तिरछी कर ली थी। पंकज मिश्रा 4-4 अंगरक्षक लेकर चलते हैं। साथ ही मिश्रा पर कारोबारियों को धमकाना, कोयला, बालू और पत्थर का अवैध कारोबार करने के भी आरोप हैं। बता दें, हेमंत सोरेन के CM बनते ही अचानक चर्चा में आए पंकज मिश्रा का नाम रांची में रहने वाली साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की हत्या मामले में भी चर्चा में आया था। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि मामले की जांच CBI से भी होने लगी थी। इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक आरोपी पुलिस अधिकारी ये कहते हुए पाई गई थी कि रूपा तिर्की पंकज मिश्रा के कहने पर ही काम करती है। इसके बाद रूपा तिर्की की हत्या और पंकज की संपत्ति की जाँच को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। बता दें, पंकज मिश्रा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में इलाज कराने गए थे। ईडी की टीम ने वहीं पंकज से संपर्क किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम दिल्ली में भी पंकज के कई ठिकानों पर पूछताछ कर रही है। ईडी की इस दबिश को IAS पूजा सिंघल के बाद राज्य में दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।